चौधरी गुलाम अब्बास अलीगढ़ में पढ़े तो ना थे, लेकिन उनके दिल में ज़रूर अलीगढ़ आबाद था। उन्होंने कहा, ये लड़का जहाँ भी होगा हमारा ही होगा। आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला इसे खुश रखे। इन दो रहनुमाओं के इस मुतज़ाद रद्द अमल ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। शाम हुई तो मैं अजायब घर की लाइब्रेरी जाने की बजाय अपने जहन में मुतसादम ख्यालात का ताना बाना लिए पंचपीर चला गया। पंचपीर के साथ मेरी बड़ी पुरानी राह रस्म थी। हमारा पहला तारुफ भी अजीब हालात में हुआ था। जब मैं अकबर इस्लामिया हाई स्कूल जम्मू की तीसरी जमात में पढ़ता था, तो कभी कभी अपने एक दोस्त मुमताज़ हुसैन के साथ दरियाए तवी के किनारे हिंदुओं के शमशान भूमि में अर्थियों के जलने का तमाशा देखने जाया करता था। एक रोज़ किसी जलती हुई लाश का सर ऐसे धमाके से फटा कि उसके मगज़ का एक लोथरा चट्टाक से मुमताज़ के गाल पर लग के चिपक गया। वो चीखता चिल्लाता सर पट भागा और दरियाए तवी के पानी में सर डुबोकर बैठ गया। इस भगदड़ में उसके पाँव का जूता निकल गया और फिसल कर गहरे पानी में जा डूबा। अब मुमताज़ जार जार रोने लगा कि वो एक पाँव से नंगा घर कैसे जाएगा। उसका बाप पुलिस का हेड कांस्टेबल था और छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी सजा देना उसका और रोज़ का मामला था। मुमताज़ की आहुजारी देखकर एक गुजरी को तरस आ गया। वो शहर में दूध बेचकर तवी के पार अपने गांव वापस जा रही थी। मुमताज़ की विपता सुनकर वो बोली कि यहाँ बैठ कर रोने से क्या मिलेगा, तुम सीधे पंचपीर चले जाओ, पीर बादशाह ज़रूर मदद करेगा। हम दोनों थके हारे उफ्ताओं खैजा शाम जम्मू के एक मज़ाफ़ राम नगर पहुँचे। वहाँ पूछ पाछ कर पंचपीर को तलाश किया। ये श्रीनगर जाने वाली बानिहाल रोड से कुछ दूर दामन कोम में दरख्तों के झुरमट में घिरा हुआ एक वीराना सा था, जहाँ चंद कब्रें थीं जिनमें एक कदरे बड़ी और नुमाया थी। उसके सरहाने ताकचा सा बना हुआ था जिसमें एक बुझा हुआ मिट्टी का दिया खाली पड़ा था। कड़वे तेल के धुएँ से ये चिराग दान काला स्याह हो चुका था। मज़ार पर मुट्ठी भर बुने हुए चने कुछ बताश और कुछ पैसे बिखरे हुए थे। चारों तरफ हू का आलम था। कुछ दूर ऊपर बानिहाल रोड थी, उस पर बसें कहीं बाहर ही बाहर रुक जाती थीं। नीचे तवी कदरिया चट्टानों से सर पटकता शां शां करता गुजरता था, लेकिन उसका शोर भी कहीं बाहर ही तहलील होकर रह जाता था। सामने एक सरसब्ज पहाड़ी पर महाराजा का फलकबोस पैलेस और महारानी का बेशुमार बंद खिड़कियों वाला महल था, लेकिन पंचपीर की नशीब से वो कीड़े मकोड़ों के बनाए हुए मिट्टी के भुरभुरे से घरौंदे दिखाई देते थे। हम देर तक खामोशी से बैठे हुए पीर बादशाह का इंतज़ार करते रहे, लेकिन किसी ने बेचारे मुमताज़ का खोया हुआ बूट इसे वापस ना ला कर दिया। आखिर तंग आकर मैंने मज़ार पर पड़े हुए पैसे चुन कर गिने। 15 आने थे। 5 आने मैंने अपनी जेब में डाले, 5 आने मुमताज़ को दिए और बाकी 5 आने मज़ार पर वापस रख दिए। उस रोज़ के बाद पंचपीर हमारी तवज्जो का ख़ास मरकज़ बन गया। हम जुमेरात के जुमेरात वहाँ बाकायदगी से जाते, क्योंकि जुमेरात को नजराना ज़्यादा चढ़ता था और ईमानदारी से हिसाब करके अपना अपना हिस्सा वसूल कर लाते थे। तस्किए नफ्स की खातिर हमने अहद कर रखा था कि इस पैसे को दुनियावी ज़रूरियात पर सर्फ करना हमारे ऊपर हराम है। चुनाचे इस रकम से हम हफ्ता भर गर्मियों में सिर्फ मलाई की बर्फ़ और सर्दियों में सिर्फ अखरोट और किशमिश खाया करते थे। कुछ अर्सा बाद मुमताज़ का हेड कांस्टेबल बाप फोत हो गया। घर में गुर्बत आ गई और मुमताज़ पढ़ाई छोड़कर रियासत की फ़ौज में सिपाही भर्ती हो गया। 18.5 रुपये माहवार तनख्वाह, बार्क में रहाइश और खाना मुफ्त। अब मैं अकेला ही बाकायदगी से पंचपीर आने लगा, लेकिन इंसाफ से काम लेकर मैंने तकसीम ज़र के फार्मूले में थोड़ी सी तरमीम कर दी। अब मैं निसफ़ रकम खुद रख लेता और निसफ़ पंचपीर के हवाले कर देता। ये सिलसिला बड़ी बाकायदगी से जारी रहा। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज से BSc करने के बाद MA के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चला गया। वहाँ जब कभी छुट्टियों पर जम्मू आना जाना होता तो मैं हर जुमेरात को पंचपीर के साथ अपनी वाजदारी ज़रूर निभाता था, लेकिन आज जब मैंने अपने नाम पर ICES के 3 हरूफ डाले पंचपीर पहुंचा, तो ज़िंदगी में पहली बार मुझे इन साहबाने मज़ार पर तरस आया। किसी को इतना भी मालूम नहीं था कि ये मज़ार किन लोगों के हैं। इनके बारे में भांत भांत के रवायात ज़बानें ज़दियाँ आम खास थीं। कोई कहता था ये 5 कुतब थे, किसी का ख्याल था ये 5 अब्दाल थे, किसी का अकीदा था ये 5 वली थे जो इस इलाके में इस्लाम की शमा रोशन करने आए थे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये 5 चोर थे जो कत्ल होकर यहाँ मदफून हुए। अपनी ज़िंदगी में
वो जो कुछ भी थे होते रहें। अब तो वो फ़कत अपनी ज़ात की नफ़ी थे, किसी को उनका नाम तक मालूम ना था। जो कोई जिस अकीदे का गुलाफ उन पर चढ़ा देता था, वो बिला चूँ चरा उसे पहन लेते थे। नजरानों का एक तहाई हिस्सा इन्हें मिले या निसब इनके लिए बराबर था। वली होते तो तसर्रुफ दिखाते, चोर होते तो मारते। वो बेचारे तो नफ़ी थे, बिल्कुल नफ़ी। नया आई सी एस को इन बेचारे मनफी किस्म के मजबूरों माजूर बुज़ुर्गों पर बड़ा तरस आया। अब भरपूर जज्बा रहम से सरशार होकर मैंने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी, जो आज तक पहले कभी ना पढ़ी थी, और जेब से 125 निकाल कर मज़ार पर नजराना चढ़ा दिया, जो आज तक पहले कभी ना चढ़ाया था। नजराना चढ़ाने की देर थी कि पंचपीर पर सदियों से छाया हुआ खामोशी का तिलिस्म चट्टाख से टूट गया। श्रीनगर रोड पर लारियों और ट्रकों की घाव घाव दरख्तों का हिसार तोड़कर मज़ार से टकराने लगी। दरिया तवी की महीब शूं शांग कानों से पर्दे फाड़ने लगी। महाराजा का पैलेस और भी फलक बोस हो गया था। महारानी की सैकड़ों बंद और तारीख खिड़कियाँ खुलकर रोशन हो गईं। मेरा सर तेज़ रफ्तार मोटर के पहिए की तरह घूमने लगा और पंचपीर की कब्रों के तावीज़ चीख चीख कर मुझे लानत मलामत करने लगे कि अबे ओ नमक हराम, अबे ओ बेगैरत, अबे ओ तोता चिशम, हमारे साथ 15 साल का याराना तोड़ते हुए तुझे ज़रा भी शर्म ना आई। मैं दुम दबाकर फौरन अपना 125 वापस उठा लिया, मज़ार पर पड़े हुए पैसों से अपना हिस्सा वसूल किया, पाँव से जूता उतार कर 5-7 बार अपने सर पर ज़ोर ज़ोर से मारा और चीखें मार मार कर बेख्तियार रोने लगा। मेरी चीखों से घबरा कर कई परिंदे दरख्तों से उड़ गए। लारियों, ट्रकों और दरिया तवी का शोर रो शगैब भी पंजो पीर के महीद से बाहर निकल गया। बेबरकती के झक्कर बंद हो गए। मेरे सर के घूमते हुए पहिए पर ब्रेक लग गई। राजमहल धराम से गिर कर कीड़े मकोड़ों का मस्कन बन गए। पंचपीर अपने वही पुराने सुकूत और सुकून और सन्नाटे की चादर तान कर लेट गया और मेरे दिल के काल कोठरी में एक अजीब सी दीवार गिड़िया नसब हो गई। खामोश आंसुओं में मकनातीस होता है, जो आर्ज़ों के लू चूम को चुन चुन कर आहिस्ता से करीब लाता है। बुलंद चीखों से लावा फूटता है, जिस कोनों मकाम में जलजले आते हैं। इसका तजर्बा मुझे एक बार और भी हो चुका है। जब माँ जी ने कराची के जनाह अस्पताल में वफात पाई तो उनकी मैयत को घर लाने के लिए रात के 1 बजे एम्बुलेंस में रखा गया। मेरे भाई बहन और दूसरे अजीज़ भी इसी एम्बुलेंस में सवार थे। मेरे पास ड्राइवर ना था, इसलिए मैं तने तनहा कार चलाकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे रवाना हो गया। यतीमी के इस कारवां में चलते चलते दफ़तन मेरे तन बदन और रूह में रू का लावा पूरी तरह उबलने लगा। मैंने कार के सब शीशे चढ़ाकर बंद कर लिए और फिर स्टीयरिंग व्हील पर सर मार मार कर इतना ज़ोर ज़ोर से रोया कि मुझे महसूस होने लगा जैसे माँ जी एम्बुलेंस से उठकर मेरे साथ वाली सीट पर आ बैठी हूँ। यह एहसास इतना साफ और पुरयकीन था कि जब घर पहुँच कर गाड़ी रुकी तो मैंने कार से उतर कर उसका दूसरा दरवाज़ा भी खोलना चाहा ताकि माँ जी भी बाहर आ जाएँ, लेकिन वहाँ कौन था जो बाहर आता। लाश तो एम्बुलेंस से निकल रही थी। पंचपीर के साथ अपना रिश्ता असर इन इस्तवार करके जब मैं वापस लौटा तो मेरा बुरा हाल था। हाथ थर थरा रहे थे, टांगों पर रेशा था, पांव मन मन के भारी हो रहे थे और सारा जिस्म कच्चे फोरों की तरह टीसे मार रहा था। किसी न किसी तरह मैं कुछ दूर पैदल चला, फिर एक टांगे में बैठ कर घर पहुँच गया। घर आकर मैंने अपनी कहानियाँ लिखने वाली कापी निकाली और अपना दूसरा अफसाना लिखने बैठ गया। इसका अनवान पहली तनख्वाह था। इसमें मैंने पहली तनख्वाह के अजीबो गरीब मुखर्रबुल अखलाक मुसर्रिफ कुछ ऐसे अंदाज से बयान किए कि अख्तर शेरानी ने इससे अपने रिसाला में शाया करने से इनकार कर दिया।